हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। गाइज, अभी हम लोग सीटेट, बीटेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बाल विकास एंड पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। कल मैंने वीडियो में 50 क्वेश्चन बताए थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ये वीडियो का पार्ट टू है, जिसमें आज फिर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। गाइज, अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं और यहाँ तक कि मेरे सारे वीडियो को अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो मेरा दावा है कि आप एग्ज़ाम ज़रूर पास कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं वही प्रश्न बताऊंगी जो एग्ज़ाम में आपसे निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली लेकिन धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन है कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हरलॉक। आंसर हो जाएगा हरलॉक। उन्होंने बताया कि विकास जो है यह एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, यानी व्यक्तित्व विकास की अवस्था है जिसमें अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन या फिर उपचारात्मक अध्ययन के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, अर्थात विकास में जो वृद्धि होती है उसका क्या अर्थ है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि का तात्पर्य ही होता है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि, अर्थात आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है, किस अवस्था में तनाव और क्रोध ज्यादा होता है, यानी किस अवस्था को हम तनाव और क्रोध की अवस्था कह सकते हैं। यह ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो जिस अवस्था में सबसे ज्यादा तनाव और क्रोध होता है वो होती है किशोरावस्था, अर्थात आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है, यानी बालक का जो विकास होता है वह किसका परिणाम है? वंशानुक्रम, वातावरण का, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर आर्थिक कारणों का। तो देखिए, बालक का जो विकास होता है यह वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, यानी शारीरिक विकास का क्षेत्र इसमें कौन सा है? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी जब हम श्याम पट पर लिखते हैं यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन है अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है अच्छी लिखावट। ठीक है, लिखावट अच्छी होगी तभी बच्चे उसको स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, यानी शरीर के आधार में वृद्धि किस प्रकार का विकास है? ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, या फिर संवेगात्मक विकास, या संज्ञानात्मक विकास, या फिर नैतिक विकास। आंसर हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, यानी शरीर के आकार में वृद्धि इसलिए होती है जिस ताकि शरीर शारीरिक और गत्यात्मक विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक,
दो से सात वर्ष तक, सात से ग्यारह वर्ष तक या फिर 11 से 16 वर्ष तक पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्था जो बताया है, संवेदी या क्रियात्मक अवस्था, ये जन्म से दो वर्ष तक की अवस्था को संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसे हम शैशवावस्था भी कहते हैं या इंद्रियागामक अवस्था भी कहते हैं। यानी बच्चे क्या करते हैं, अपने जो विचार हैं संप्रेषण वो अपने इंद्रियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होते हैं, या फिर बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, या सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये यहाँ लड़के बुद्धिमान होते हैं या लड़कियां बुद्धिमान होती हैं ऐसा नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, कोई संबंध नहीं होता बुद्धि का लिंग से। लड़कियां भी बुद्धिमान होती हैं और लड़के भी बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य क्या है? यानी जब किसी को परामर्श दिया जाता है, किसी बच्चे को परामर्श दिया जाता है, तो उसका उसके पीछे क्या कारण छुपा होता है, क्यों, मतलब ये परामर्श देने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बच्चों को समझाना, या फिर बच्चों की कमियों के कारण पता लगाना, या बच्चे को समायोजन में सहायता करना, या उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चों को समझाना, उनकी कमियों के कारणों का पता लगाना तथा बच्चों को समायोजन में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, यानी किस मार्ग द्वारा कैसे उन्हें नैतिकता को अच्छे से सिखाया जा सकता है? तो ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, या फिर शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या फिर उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। यानी एक शिक्षक हो जो हो, उसको अपना जीवन ऐसे बिताना चाहिए, बच्चों के सामने ऐसे प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बच्चे उसे ही अपना आदर्श बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। जी हाँ, योगदान था। डैस का विकास यानी किस प्रकार का विकास हुआ? आंसर है व्यवसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, या फिर लैटिन स्कूल। किस प्रकार का जो स्कूल है यह फ्रोबेल के महत्वपूर्ण योगदान का देन है? तो आंसर हो जाएगा इसका किंडरगार्टन, जो छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है जिसे हम किंडरगार्टन कहते हैं। जैसे नर्सरी में जाने वाले जो बच्चे हैं उनसे भी जो छोटे होते हैं, यानी पहले उनको उन्हीं में भेजा जाता है प्ले स्कूल, तो ये फ्रोबेल का एक महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज को बढ़ावा देता है? ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, या फिर तटस्थता यानी अलगाव अलग रहने की भावना का। तो आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना का। यानी एक अच्छा अध्यापक जो होता है वह बच्चों को यह शिक्षा देगा कि बच्चों में सहयोग की भावना अर्थात एक दूसरे की भावना मदद करने की हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? एक शिक्षक है जो कि शिक्षा देने का कार्य करता है, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है आजीविका कमाना, तो आजीविका तो सब कोई कमाते हैं, सब कोई कुछ ना कुछ करके अपना भरण पोषण करते ही हैं, या फिर बच्चे का सर्वांगीण विकास, या पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या फिर बौद्धिक विकास। तो एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। अच्छा, बच्चे का जैसे हर तरह से विकास हो, हर दिशा में बच्चे का विकास हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। यह ऑप्शन है वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां और सीमाएं, स्थिरता और परिवर्तन, या फिर खोज और
पोषण। तो आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया यानी अंतः क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2001, 2003, 2004 या फिर 2006। कब शुरू की गई थी? तो ये जो प्रक्रिया है वह 2004 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के वर्गों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू किया गया है वह किस वर्ष शुरू किया गया है? ऑप्शन है 1996, 1998, 2001 या 2003। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है यह 2001 में शुरू किया गया था। ये 6 से 14 वर्षों के बीच आयु के बीच जो बच्चे हैं उनके मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के रूप में यह मतलब यह उद्देश्य था इसका कि सभी बच्चे जो है वह स्कूल जाएं। अगला क्वेश्चन है, स्तरीय या गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था, कब निकाला गया था? ऑप्शन है 1990, 1992, 1998 या फिर 1996। तो ये हुआ था सन 1998 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, तो विद्यालय बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, या शिक्षक को विषय की समझ, या फिर शिक्षक की योग्यता, या शिक्षक की लिखावट। तो ये है शिक्षक को विषय की समझ, यानी शिक्षक अगर उस विषय को खुद अच्छे से समझ रहा है तभी उस विषय को बच्चे को अच्छी तरह समझा पाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, यानी किस लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग किया जाता है शिक्षक द्वारा? ऑप्शन है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, या फिर शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, या फिर छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो आंसर हो जाएगा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षक जो है वह शिक्षण संबंधी सहायक सामग्रियों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर शिक्षक किसी बच्चे के माता पिता या अभिभावक को इस विद्यालय में बुलाते हैं और अगर वो बुलाने पे नहीं आते तो इस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है माता पिता को लिखना चाहिए, या फिर जाकर उनसे मिलना चाहिए, या वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या फिर वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे छात्रों को दंडित भी नहीं करना चाहिए या उन्हें अनदेखा करना तो शिक्षक का कर्तव्य है ही नहीं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में शिक्षक को जाकर खुद बच्चे के माता पिता या अभिभावक से मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, किस पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बंटित, समूहित, अंतरालित या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसी भी पढ़ाई के रूप में नहीं जाना जाता। अगला क्वेश्चन है, पाठचर्या को कार्य माना गया है, पाठचर्या निर्माण को कार्य माना गया है, किस प्रकार का कार्य माना गया है पाठचर्या निर्माण को? ऑप्शन है एक नियमित कार्य, या एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, या फिर एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो पाठचर्या जो निर्माण होता है उसको एक अधिक यानी बहुत ही उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेषज्ञता का कार्य होता है पाठचर्या का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, यानी कब विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए? एकांत में,
अलग से लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से, तो कभी भी विद्यार्थियों की जो प्रशंसा है वह लोगों के बीच करनी चाहिए, जिससे जो बच्चे होते हैं उनका आत्मस्वाभिमान जो है वह बढ़े और वो और अच्छे से अपना विकास कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया गया है। ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेड। यानी ग्रेड जो है वो सूचित करता है किसी विद्यार्थी के भीतर की योग्यता या गुण की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया गया है, कितना प्रतिशत, यानी पढ़ाई का कितना प्रतिशत जो है वह दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया गया है। तो आंसर होगा, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन 60%, 85%, 50% या फिर 95%। आंसर हो जाएगा 85%। यानी अनुसंधान से यह पता चला है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा श्रवण और दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से प्राप्त या ग्रहण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है, बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, या फिर उससे कुछ लेना देना नहीं है, या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बढ़ावा देता है। जो वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को ये निश्चयात्मक अनुशासन जो है वह बढ़ावा देता है। यानी वर्ग में क्या होना चाहिए, अनुशासन अवश्य ही होना चाहिए। अगर अनुशासन नहीं होगा तो जो पढ़ाई है वह भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता में क्या होता है, कई गुना बढ़ती है, घटती है, या अंशतः बढ़ती है, या फिर अप्रभावी रहती है। तो आंसर हो जाएगा उसकी जो क्षमता है वह घटती है, क्योंकि शिक्षक किस लिए, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, और शिक्षा के अलावा अगर उसे किसी अन्य कार्य में लगाया जाता है तो निश्चय ही उसकी जो कार्य क्षमता है वह घटती है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे छात्रों का सही मूल्यांकन हो सके। ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, या कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या फिर प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो सबसे अच्छी विधि होती है सतत मूल्यांकन, यानी लगातार हमेशा जो है वह मूल्यांकन की क्रिया करनी चाहिए जिससे छात्रों का सही मूल्यांकन हो सके। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, या निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, या प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो अगर शिक्षक में ये सारे गुण हैं, अगर वह ऐसा करता है तो उसे निश्चय ही समाज में सम्मान प्राप्त होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे, अधिगम की सबसे उचित परिभाषा। ऑप्शन है समस्याएं हल करना, या फिर विशिष्ट हुनर का विकास, या आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी अधिगम की सबसे उचित परिभाषा सिर्फ ये नहीं होती कि समस्याएं को हल करना, या विशिष्ट हुनर का विकास, या फिर आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, यानी कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से किसी हुनर को कैसे सीख सकता है। ऑप्शन है अवलोकन करके, यानी अच्छे से ध्यान से उसको देखकर, सुनकर,
पढ़कर या खुद करके। तो आंसर हो जाएगा खुद करके। जब कोई किसी कार्य को खुद करते हैं तभी उस हुनर को अच्छे से कोई व्यक्ति सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में होती है, यानी किस वर्ष में बच्चे वर्णमाला को सीखने लगते हैं, उसकी पहचान हो जाती है। उन्हें ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। तो वर्णमाला की जो पहचान है वह 3 वर्ष में शुरू होती है। ठीक है, यहाँ शुरू होने की बात कही गई है, पूरी तरह से पहचान लेने की बात नहीं कही गई है, यहाँ शुरू होने की बात कही गई है। तो बच्चा 3 वर्ष की अवस्था में वर्णमाला को पहचानना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या क्या उसे जानना चाहिए, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, या फिर विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, या विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्यार्थियों के सभी पक्षों को एक शिक्षक को जानना चाहिए, तभी वह विद्यार्थियों का सामाजिक विकास विकसित करने हेतु उसे मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न में से गहरा संबंध रखता है, किससे गहरा संबंध रखता है। ऑप्शन है समान परीक्षा क्यों, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, या फिर समूह दर्शन। तो आंसर हो जाएगा इसका अधिगम स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है स्फूर्ति अवस्था। ऑप्शन है शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, या फिर बाल्यावस्था को। तो स्फूर्ति की जो अवस्था होती है वह बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा उछल कूद करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था, यानी किसके अनुसार वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन है वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा रॉस। रॉस ने यह कहा था, या उनका कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन क्या है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, या फिर भाषा का विकास। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो आंसर हो जाएगा इसका मानसिक विकास है, मन का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी इनमें से कौन सा कथन है जिसे सही नहीं माना गया है, जो मानव विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है विकास पूर्वानुमेय होता है, या फिर विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या विकास रेखीय होता है, या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो आंसर हो जाएगा विकास रेखीय होता है, यह कहना गलत होता है, क्योंकि विकास में उतार चढ़ाव होते रहता है। ठीक है, यानी विकास जो है वह हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा कथन गलत है, यानी विकास जो है वह रेखीय होता है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का कौन सा क्षेत्र। ऑप्शन है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र ये सब है, स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उपरोक्त। तो इसका अर्थ हो गया उपरोक्त सभी, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। ऑप्शन है समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, या फिर अभिप्रेरणा। तो आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा, ये वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। मोटिवेशन जो है यह वंशानुक्रम का निकाय नहीं होता।
अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मुरे, एडलर, क्रो एंड क्रो या फिर जेबी वाटसन। आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। उनके अनुसार 20वीं शताब्दी जो है वह उसे बालकों की शताब्दी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, यानी किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का की अवस्था कहा गया है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, यानी मिथ्या कह सकते हैं, असत्य या झूठ, ठीक है, यानी पूरी तरह परिपक्व बच्चा नहीं होता है, तो उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, जिसे मिथ्या परिपक्वता भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, यानी इनमें से कौन सी है जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था की, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। तो उसका, उसकी विशेषता यह है कि उस समय बच्चों में नैतिकता जो है वो नहीं होती, यानी उनका शारीरिक विकास तो तीव्र गति से होता ही है, वो दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं और मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है, लेकिन जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे में नैतिकता का होना ये सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, कौन सी है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा में वृद्धि, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रकृति प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो जैसे शैशवावस्था में बच्चे होते हैं तो उनमें चिंतन प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन है कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक। तो किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है जो विकास है वह एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, बिग व हेट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, किसकी विशेषता है? ये किशोरावस्था की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, यानी किन विकास सिद्धांतों पर आधारित है? निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है निरंतरता, अनुक्रमिकता या सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर प्रतिवर्ती। आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती, ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या फिर शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर या फिर शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।